आंवला बना के इतना प्लांट कर रहे हैं हम, जिनमें क्या क्या नहीं बनाते। सो गाइस, अभी हम लोगों का जो स्टूडियो हम लोग तैयार कर रहे थे उसको भी थोड़ा सा चेंज ओवर दे रहे हैं। सो दिखाता हूँ मैं आपको बाहर क्या काम चालू है, फिर देखिए। सो गाइस, फिलहाल तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अपने लिए एक सूप। अब ये सूप किस चीज का है ये एक सस्पेंस है, बट हाँ बताना तो पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा क्या चीज है। सो ये है आंवले का जूस। आंवले को हम लोगों ने इसमें उबाल लिया है और इसका सूप बना रहे हैं, क्योंकि आंवला यूजली क्या होता है, ठंडा होता है अगर ज्यादा मतलब आज अभी मौसम भी जैसे ठंडा है, तो अगर ऐसे में आंवले का जूस पिया जाए तो वो ठंड कर सकता है। तो द बेस्ट वे इज उसको गर्म कर लो। तो कोई भी चीज जो तासीर में ठंडी हो उसको अगर गर्म करना है, मतलब उसको तासीर अगर चेंज करनी है, तो उसको गर्म करके सूप बना के पियो। तो इस तरह आप उसको आंवला अच्छा बना के इतना प्लांट कर रहे हैं हम, जिनमें क्या क्या नहीं बनाते। नहीं नहीं, आंवला बहुत अच्छा होता है एक्चुअली, इससे हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हेयर फॉल रुक जाता है, शाइन आता है, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, और सबसे 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 बड़ी चीज इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी मतलब जो हमारा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अच्छी हो जाती है और बीमारियां आसानी से नहीं लगती हैं। तो ये देखिए ये खोल चुका है, अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे फिर हम लोग पी लेंगे। और हम लोग ज्यादातर इंडक्शन यूज करते हैं क्योंकि इंडक्शन इज द बेस्ट वे, और इससे जल्दी भी हो जाता है और गैस भी वेस्ट नहीं होती है। तो अभी ऑलमोस्ट ये हो गया है, इसका अर्क पूरा निकल चुका है। उबालने का पर्पज ये होता है कि इसका पूरा जो अर्क होता है, जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अच्छे से निकल जाए और जब हम पिए तो अच्छे से बॉडी में वो डाइल्यूट हो। तो ये हो चुका है, अभी यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। मेन लाइन भी मैं बंद करता हूँ क्योंकि ताकि रनिंग वायर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन सेव लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अभी इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं ताकि और ये सोख ले इसकी तासीर को। फिलहाल इसको ढक देते हैं। छोटी प्लेट नहीं दिख रही, इधर है कुछ मशीन में लगे होंगे। चलो दूसरे से ढक देते हैं, बड़ी से ढक देते हैं और चलते हैं इधर, देखते हैं इधर क्या काम चालू है। वॉलपेपर लेके आते हैं। है वॉलपेपर अभी लगाएंगे? तो पहले अंदर रख देना इसको। रखूं रखवाऊं? रखवा रहे हैं अभी, रख देते हैं। और एक मिनट में आता हूँ। चलो इसका सेंट देखना, सीधा कौन सा उल्टा कौन सा। तो निकालेंगे अभी, बाहर निकाले, निकालो बाहर निकालो। ब्रश लिया? ब्रश बिजली का हो गया, ब्रश ब्रश से कर देते हैं। वो तुमने देखा है वॉलपेपर किधर है? तो ये मैं वॉलपेपर कह रही थी। नहीं मेरे नहीं, मुझे नमन पे लगाया। सो गाइस, रात का खाना आ गया है और अभी खाना खा लेते हैं और फ्री हो जाते हैं। एडिटिंग मेरी हो गई है, मैंने वीडियो भी पोस्ट कर दिया है। सो आज सारे काम मैंने टाइम पे कर लिए हैं ताकि सोने के लिए टाइम पे मिल जाए, और डेली डिले भी हो जाता था तो मैंने आज सारा काम टाइम पे कर लिया है। और ये देखो आहान दही और राइस खा रहा है। सो आज हम खाएंगे दही और राइस। आज दही और राइस का दिन नहीं है, कल तो इनकी छुट्टी है, स्कूल में फंक्शन है शायद, लेकिन हाँ, कल आप भी आओगे, देखते हैं बेटा। सो गाइस, रात का वक्त हो गया है और ये वक्त है हमारे सोने का। खाना भी खा लिया है, एडिटिंग भी हो गई है, तो आज के सारे टास्क, आज के सारे काम फिनिश हो गए हैं। और जेनेट और आहान का टाइम भी सोने का है, सो कल तो छुट्टी है, सो जल्दी उठने की टेंशन नहीं। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिल सके सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले विदाउट एनी डिले. सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच. बाय बाय.